हेलो फ्रेंड्स, जो मेरी अभी नेक्स्ट वीडियो है वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन, जो भी आपकी गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो कॉलोनी है उसमें आपकी अगर जो सर्कल है उस सर्कल से बाहर ट्रांसफ़र होने के बाद एज पर रूल आपको कितने महीने की रिटेंशन मिल सकती है, मैं उसके बारे में बताऊँ आपको। जो ये वाले रूल हैं, ये एक तो डायरेक्टरेट ऑफ इस्टेट, और एक डिपार्टमेंट पूल। इन दोनों में लागू होते हैं ये वाले रूल, क्योंकि जो डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट के अंदर में जितने भी आपके कॉलोनी वगैरह जो भी आती है, सीपी दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी हो, चाहे कोई भी हो अंडर सर्कल्स में, और या फिर डिपार्टमेंट पूल या गवर्नमेंट की अपनी खुद की कॉलोनी हो किसी भी ऑफिस की, तो उसमें ये दोनों के दोनों रूल लगेंगे जो मैं अभी आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपकी जो लोकल सर्कल है जिसमें आपको नॉर्मल लाइसेंस फीस पर क्वार्टर मिला हुआ है, अगर उस सर्कल के बाहर अगर आपकी ट्रांसफ़र होती है और उस सर्कल में आपके पास क्वार्टर है, तो उसमें जो कंडीशन लगेगी, जो फर्स्ट ईयर जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी 2+6+4। दैट मीन्स कि पहले 2 महीने नॉर्मल लाइसेंस फीस, अगले 2 महीने डबल लाइसेंस फीस, और फ्रेंड्स, जब आपकी लोकल सर्कल से बाहर कहीं ट्रांसफर होती है और आपका वहां पे क्वार्टर आपने रख रखा है, तो उस रिगार्डिंग में जो आपके गवर्नमेंट क्वार्टर जो रूल लगते हैं वो लगते हैं आपके 2+6+4। दैट मीन्स के पहले जो 2 महीने होंगे आपके ट्रांसफ़र होने के बाद, वो आपके नॉर्मल लाइसेंस फीस पे लगेंगे। जो आपके अगले तो 6 महीने होंगे वो लगेंगे आपके डबल लाइसेंस फीस पे, और जो ये होंगे ये लगेंगे आपके 4 टाइम लाइसेंस फीस के। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आपको इस बात का और ख्याल रखना है कि जो भी आपकी लोकल जूरिडिक्शन, जो भी आपकी डिपार्टमेंट पूल की जो भी कॉलोनी है, उसमें जो ऑफिस हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ने अपने भी कुछ सर्कुलर निकाले होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन रिटेन करने के प्रोसेस वगैरह सब कुछ बता रखा होता है। जैसे अभी चंडीगढ़ में है जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो है सीबीसी डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट में, उसमें आप ऐसा कर रखा है कि जब भी आप पहले 2 महीने होंगे वो नॉर्मल लाइसेंस फीस पे होंगे, और अगले 6 महीने डबल लाइसेंस फीस, और अगले 4 महीने फॉर वन टाइम। जो ये स्टार्टिंग के जो 8 महीने हैं, ये आपके जो चंडीगढ़ वन जो जीएसटी कमिश्नर है उनके पास पावर है, और कमिश्नर अपनी पावर डेलीगेट भी कर सकते हैं, नीचे वो किसी को भी डेलीगेट कर सकते हैं क्वार्टर रिटेन करने की फाइल वगैरह करने के लिए। बाकी कमिश्नर के पास पावर होती है इसकी, और ये जो 4 महीने होते हैं इसकी पावर होती है सीसी मैडम के पास, सीसी ऑफिस के पास, सीसी के पास परमिशन लेनी होती है। इसमें फ्रेंड्स आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब भी आपकी लोकल जुडिशन से, जब भी कहीं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी आपकी लोकल जुडिशन से बाहर ट्रांसफ़र होती है, लोकल सर्कल से बाहर ट्रांसफ़र होती है, तो उसमें आपको 2 महीने का टाइम होता है, 2 मंथ का टाइम होता है। 2 मंथ के अंदर आपने अपनी रिक्वेस्ट भिजवानी होती है एज पर रूल, जो रूल है 2 महीने के अंदर आपने रिक्वेस्ट भिजवानी होती है। अगर 2 महीने के बाद अगर आप रिक्वेस्ट भिजवाते हो तो उसमें फिर या ऑफिसरों के ऊपर भी है, लेकिन जो एज पर रूल है वो आपको मार्केट रेट भी लगा सकते हैं। अगर आप लोकल जुडिशन से बाहर और ट्रांसफर होने के बाद 2 महीने के अंदर अगर आप एप्लीकेशन नहीं भिजवाते हैं, तो फिर वो मार्केट रेंट भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो आप नेक्स्ट जो 6 मंथ और प्लस 4 मंथ जो आप ये रिटेन करने के लिए जो एप्लीकेशन दोगे, आप ये जो 2 एप्लीकेशन है ये 8 महीने के लिए आप सीधे कमिश्नर को या फिर ADC को आप लेटर लिख सकते हो, GST चंडीगढ़ में।
और जो ये 4 महीने हुए, कहीं को डाउट रहता है कि ये सीसी से मिलेगी, तो क्यों सीसी ऑफिस में डायरेक्ट भेजनी होती है क्या एप्लीकेशन? लेकिन उसमें डायरेक्ट नहीं भेजनी होती, वो आपको पहले इधर भेजनी होगी यहीं पे कमिश्नर और एडीसी को, यहाँ से फिर आपकी फाइल सीसी में, सीसी ऑफिस में अप्रूवल होने के लिए, 4 महीने के अप्रूवल के लिए वहाँ पे जाएगी सीसी ऑफिस में। उसमें आप जो भी, जो ये 6 महीने हैं, ये जो ये 8 महीने हैं, 10 महीने हैं, जो ये इन 10 महीनों के लिए जो भी आप रिक्वेस्ट दोगे या इन इनके लिए, उसके लिए आपका जो ग्राउंड्स होने चाहिए क्वार्टर रिटेन करने के लिए, वो आपका एजुकेशन ग्राउंड भी हो सकता है, वो आपका मेडिकल ग्राउंड भी हो सकता है। लेकिन इसमें अगर आप एजुकेशन ग्राउंड्स पे आप दे रहे हो रिटेंशन की, तो फिर आपको इसमें जो आपके बेटा या बेटी जो आपके स्टडी करने लग रहे हैं, उनकी आपकी जो फीस स्लिप होती है, वो फीस स्लिप आपको सबमिट करानी पड़ेगी, और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट कराने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें वो बेस मांगते हैं कि क्वार्टर रिटेन करने के लिए कि ग्राउंड्स क्या है, उसको देखने के लिए ग्राउंड्स के, जो ग्राउंड्स का बेस है उस बेस पर आपको क्वार्टर रिटेंशन की स्वीकृति मिल जाएगी। अब इसमें ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो एक साल ख़त्म होने के बाद अब वो पूछते हैं कि क्या क्या रूल है, किस चीज़ के रूल के अकॉर्डिंग हमको हम आगे फर्दर जो रिटेंशन है वो हमें मिल सकती है। वो एक्चुअली होता है कमिश्नर के ऊपर, और जो रूल कहता है वो ये है कि अगर अगर उस टाइप में, मतलब क्वार्टर के टाइप में, टाइप 1 तो टाइप 2 टाइप 3 और टाइप 4, यदि इस इन क्वार्टरों में यदि इन दो के तो नहीं बनते, इन दो के पैनल बनते हैं, यदि टाइप 2 में आपके पास क्वार्टर खाली पड़े हैं, अगर क्वार्टर वैकेंट है, तो आपको आप जो आपके ग्राउंड्स हैं उस ग्राउंड्स के बेस पर आपको 1 साल की 1 ईयर की नॉर्मल लाइसेंस फीस पर रिटेंशन की जो स्वीकृति है वो सीसी ऑफिस से मिलेगी, वो सीसी मैडम देंगे, सीसी जो आपका चीफ कमिश्नर ऑफिस है वहाँ से मिलेगी आपको 1 ईयर की जो रिटेंशन की पावर है, रिटेंशन जो है। उसके बाद टाइप 3 और टाइप 4 में पैनल बनते हैं, पैनल के अकॉर्डिंग भी अगर कोई उस क्वार्टर को लेने वाला नहीं है, या फिर लेने वाला नहीं है, या फिर कोई लाइन में है नहीं जो उस क्वार्टर के लिए विलिंग हो, तो फिर उस केस में भी आपको 1 साल की नॉर्मल लाइसेंस फीस पर रिटेंशन मिल सकती है। लेकिन उसमें ग्राउंड्स मेन है, आपको ग्राउंड्स और देने पड़ेंगे, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर मेडिकल हो। एक केस और आता है कि जैसे एक केस होता है कि जो ऑफिसर सीपीएस में पोस्टेड है, जैसे जो सेंसिटिव एरिया में आते हैं, जैसे एक तो अमृतसर में बीकी विंड हो गया और आपके J&K में जो होता है, J&K वाले हो गए, J&K में तो गवर्नमेंट का हर ऑफिस ऑर्डर निकलता है J&K में जो पोस्टेड है उनके लिए। जैसे अभी के लिए तो शायद जून, पता नहीं मार्च 2018 तक का निकल रखा है, उनको नॉर्मल लाइसेंस फीस पर उनको क्वार्टर रिटेन करने की स्वीकृति मिलती है। इस केस में मैं आपको फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको क्वार्टर यहाँ से आप बाहर कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होते हो, तो आपको स्टार्टिंग के 8 महीने आपको HRA भी मिलेगा, स्टार्टिंग के 8 महीने उसके लिए आप एलिजिबल होते हो, वो आपको HRA मिलेगा ही अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हो तो। दूसरा ये है कि जो लोकल, अब ये कईयों को पता नहीं है कि जो चंडीगढ़ की लोकल जुडिशरी में कौन कौन से आते हैं जो नॉर्मल लाइसेंस फीस के लिए एलिजिबल है, या जो नॉर्मल लाइसेंस फीस के लिए सिटी है जो आसपास चंडीगढ़ के पास पड़ती है। इसमें सबसे पहले है बद्दी, अगर आपकी पोस्टिंग बद्दी में है तो आपको नॉर्मल लाइसेंस फीस पर क्वार्टर मिलेगा, एक बद्दी है। उसके बाद है डेराबसी, जीरकपुर,
और रोपड़ नहीं है खरड़ और लोकल सिटी चंडीगढ़, ये तीन चार सिटी हैं जिनमें आपको नॉर्मल लाइसेंस फीस पर क्वार्टर रिटेन करने की स्वीकृति मिलेगी। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, अगर आपके इन सिटी में ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर भी आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन रिटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको अप्लाई करने के बाद उसकी बकायदा परमिशन मिलेगी उस रूल के अकॉर्डिंग जो चंडीगढ़ लोकल ऑफिस ने निकाल रखा है। इसमें एक और आ जाता है कि जो ये आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट क्या रूल है, आफ्टर रिटायरमेंट आप एज पर रूल 8 महीने तक क्वार्टर रिटेन कर सकते हो। उसमें भी आपको स्टार्टिंग ये वही होगी 2+2+2+ होता है, स्टार्टिंग के 2 महीने नॉर्मल लाइसेंस फीस पे डबल, फिर 4 गुना, फिर 6 गुना, पता नहीं 8 गुना, ऐसे आप क्वार्टर रिटेन करने की स्वीकृति मिलती है। और